नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान, देश के जाने माने औद्योगिक विशेषज्ञ और राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यसभा के सांसद अशोक गांगुली जी। 28 जुलाई 1935 को पटना में जन्मे गांगुली जी 1980 से लेकर 1990 तक हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के चेयरमैन रहे। गांगुली जी 35 साल से अधिक समय तक यूनिलीवर से भी जुड़े रहे। गांगुली जी को 1987 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। देश और दुनिया की तमाम कमेटियों में जगह पा चुके गांगुली जी को नवंबर 2009 में राष्ट्रपति जी ने राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया। आज हम गांगुली जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। गांगुली जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा तो जन्म पटना में हुआ था, मगर मेरे पिताजी मुंबई आए थे 1926 को बनारस से, और फिर मुंबई में ही रहे। लेकिन मैं बचपन से मुंबई में रहा, पढ़ा, कॉलेज में गए। फिर 1956 में मैं अमेरिका रवाना हुआ। तो मैं, आप समझ सकते हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं मुंबई का हूँ, मेरा मातृभाषा बंगाली है, अगर हो तो हिंदुस्तानी। वो मुंबई कर और ये सब मैं नहीं पहचानता। शुरुआत से लेकर अब तक आप किन किन संस्थाओं से जुड़े रहे, इसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बताएं। हाल में मैं आनंद बाजार ग्रुप का अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ, और इस बीच में काफ़ी संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ था। भारत सरकार के बहुत संस्थाओं से, IIT कानपुर का चेयरमैन रहा हूँ मैं, फिर लंदन में रहते समय ब्रिटिश एयरवेज का भी डायरेक्टर था, वापस आते हुए विप्रो, महिंद्रा वगैरह वगैरह के संस्थाओं के साथ, अभी डॉक्टर रेड्डी भी, उनके साथ में जुड़ा हुआ हो। तो इतने उम्र होने से सब संस्था का नाम तो याद नहीं रहता, मगर ज़्यादातर भारत सरकार का संस्थाओं से साथ मैं जुड़ा हुआ था। 10 साल आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे। हाँ जी। यहाँ पर आपने क्या कुछ किया? हम तो उद्योगपति नहीं थे, हम प्रोफेशनल मैनेजर थे। नौकरी था मेरा, कंपनी चलाना था, कंपनी को आगे बढ़ाना था। हम अकेले तो नहीं कर पाते, हमारा जो सहकर्मी थे उनके साथ मिल जुल के हमने कंपनी के आगे बढ़वाया। हमारे पहले भी बहुत जाने माने सब नेता ही थे, प्रकाश टंडन, वसंत राजा दक्षा, टी थॉमस, हमारे बाद में भी दूसरे लीडर्स आए। तो हम तो नौकरी किए, जो मध्यवर्ग के जो हिंदुस्तानियों करते रहे थे हम भी किए। तो हिंदुस्तान लीवर ब्रदर्स था। 1880 में पहले उस साबुन का इम्पोर्ट करते रहे, सनलाइट साबुन, जाने माने साबुन था, लाइफ बॉय साबुन। फिर करीब 1930 में मुंबई में और कलकत्ता में उनका मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत हुआ। और फिर आप लोग जब बच्चे थे, हम लोग नौजवान थे, तब लक्स का बहुत नाम हुआ हिंदुस्तान में। ये जो बॉलीवुड आज जाना जाता है, सबके जो लीडिंग एक्ट्रेस होते थे वो सब लक्स के एडवर्टाइजमेंट में आते थे। तो समझिए, लक्स, लाइफ बॉय, सनलाइट, सर्फ, रिन, पेप्सोडेंट टूथपेस्ट वगैरह वगैरह जाने माने कंपनी बना, और हिंदुस्तान के कोने कोने में, हर गांव में कोई ना कोई हिंदुस्तान लीवर के चीज़ पहुंच जाता था। तो हमारे जो काम था वो सब हिंदुस्तान के सब भागों में जाके, क्या हमारे जो खरीदार का क्या राय था, क्या सुझाव था उनका, वो सुनना, और फिर कंपनी में आके उसका विस्तारित करना और आगे बढ़ाना। तो डालडा भी था, आप तो अभी तो डालडा का नाम नहीं सुनाई देता। तो कोई बोलता था घी दो, बोले कौन सा घी दे, बोले डालडा दो। तो वो भी था एक बड़ा बड़ा ब्रांड। और हिंदुस्तान लीवर का सबसे बड़ा गुण ये था कि प्रोफेशनल था, यानी कि कोई उसका मालिक नहीं था। आपने अपने कार्यकाल में नए सिरे से इसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो चीज़ होता था उसका हिंदुस्तान लीवर का एक
बड़ा भाग था हिंदुस्तान में, और तभी टेलीविज़न नहीं था, तो आप एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में कि दीवारों में वगैरह देखते थे कि रिंस धुलाई करो, सफ़ेदी करो इत्यादि गाना वगैरह होता था। आज तो सब बदल गया, अभी टेलीविज़न आने से वो तो सब बदल चुका है, एडवर्टाइजमेंट भी बदल चुका है। एडवर्टाइजमेंट चीज़ होता है कम्युनिकेट करना, लोगों को बताना कि भाई ये चीज़ है, इसका ये गुण है, आपको इसको इस्तेमाल करने से आपको महसूस होगा, तो यही एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग था। और आप 35 साल से ज़्यादा तक यूनिलीवर से जुड़े रहे, यूनिलीवर के बारे में कुछ बताएं। यूनिलीवर तो एक जगत व्यापी कंपनी है, ऐसा देश नहीं है वर्ल्ड में जहाँ यूनिलीवर का कंपनी नहीं है। और हाल ही में समझे 10-20 साल हुआ है, हिंदुस्तानी मैनेजर बहुत नाम कमाया है यूनिलीवर में, बड़े बड़े देशों का सब लीडर है हिंदुस्तानी मैनेजर्स, हिंदुस्तान लीवर का जो पहले थे वो गए हैं। और यूनिलीवर जगत के दूसरा सबसे जाने माना और बड़ा कंपनी है एक कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे, और ये तो ऐसा कोई देश नहीं है जहां यूनिलीवर का नाम सुनने से आप पहचानेगा नहीं। बतौर सांसद 4 साल हो गए हैं आपको राज्यसभा में, किस तरह का योगदान आप राज्यसभा में दे रहे हैं? देखिए, हम जो चीज़ के काबिल है उसके सिवाय हम क्या कर सकते हैं। हम सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं, आचार व्यवहार राजनीति का लड़ाई दोस्ती सब हम वो भी हम सीख रहे हैं, लेकिन अर्थनैतिक चीज़ों में, मानसिक चीज़ों में जिसमें हमारा चिंताधारा है, मुझे उसका मौका मिलने से थोड़ा बहुत हमारा भी जो चिंता है, सुझाव है, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा भाग लेता हूँ। किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपनी बात रखी है सदन के अंदर? देखिए, मैं वाटर रिसोर्स के स्टैंडिंग कमेटी मेंबर होने से और फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री के कंसल्टेटिव कमेटी के मेंबर्स मैं हूँ, और जो कमेटी में मीटिंग्स होते हैं उसमें मेरा सुझाव रखा जाता, वो आप लोग टेलीविज़न पे नहीं देख पाते। मैं मेरा ज़िंदगी वैज्ञानिक हिसाब से मैं शुरुआत किया था, मेरा पहला काम जो हिंदुस्तान लीवर में था वो वैज्ञानिक हिसाब से था, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ बातचीत होता उसमें थोड़ा मैं भाग लेता हूँ। फिर सामाजिक चीज़ों में जो हो रहा है आज, लोकपाल नहीं तो जो महिला को अत्याचार होता है इसमें, जिसमें हम और हमारा स्त्री के दो लड़की है, तो हम जानते हैं कि इस देश में क्या क्या तकलीफें हैं, और जो सामाजिक तकलीफों की जब डिबेट होता है उसमें भी मैं प्रयत्न करता हूँ मेरा 2-4 बात रखने के लिए। आपने लोकपाल की बात की, क्या आपको लगता है वाकई इस देश में लोकपाल जो आम आदमी चाहता है पास हो, बावजूद इसके 42 साल से लटका पड़ा है, पास नहीं हो पा रहा है, क्या निकट भविष्य में मिल पाएगा? सब चीज़ को हमारा उम्र पहुँचने से आप एक एक चिंता आप कीजिएगा कि सब चीज़ का एक समय आता है। मेरा हिसाब से लोकपाल का समय अब आया है, और इतने कम्युनिकेशन है, इतने टेलीविज़न है, हिंदुस्तान के कोने कोने में कोई अत्याचार होने से, कोई अन्याय होने से तुरंत आप सारे हिंदुस्तान में पता चलता है, और वो चीज़ को ठीक से न्याय देना ये लोकपाल के एक महत्वपूर्ण काम होगा, तो सब चीज़ का एक समय रहता है। आपने आचार व्यवहार की भी बात की और ये भी कहा कि राजनीति भी सीख रहे हैं, लेकिन जो संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होती है उसको कैसे कोई एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए, कैसा एक व्यवहार में इसको लाया जाए कि संसद की कार्यवाही कम से कम बाधित हो? आपने जो मुद्दा उठाया मेरा हिसाब से वो सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि एक गरीब देश के जो सांसद है उनका कर्तव्य ये है कि वो उचित रूप से दिल और
उसका चिंताधारा लगा के सांसद में उसका आलोचना करें। हम जब भी नहीं कर पाते हैं हम देश को शास्ति देते हैं। इसके लिए मैं बार बार आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा अफसोसजनक है और इसका ये विषय को लेके हमारे जितने नेता है कोई पार्टी का हो इसको और गंभीर चिंता करे, क्योंकि आगे जाते हुए ये चीज़ एक परमानेंट फीचर ना हो कि हम लड़ते झगड़ते रहे बंद करते रहे काम, मगर हमारा रोल जो जिसके आशा लेके हमको यहाँ भेजा जाता है वो दूसरा तरीका का है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तो क्या कभी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर संसद सदस्यों के बीच में इस बात पर चर्चा नहीं होती? होती है जरूर, होती है जरूर। और राज्यसभा का अध्यक्ष हमीद अंसारी जी वो भी सुझाव देते हैं, वो भी हम लोग को शांतता का भावना देते हैं। हम सब ये विषय पर हम सब चिंतित हैं, मगर कैसे राजनीति में जो भ्रष्ट हो रहा है इसको कैसा जोड़ा जाए इसका उपाय अभी भी आगे है। जैसे आपको बताया लोकपाल की चीज, हमारा जो व्यवहार है हमारा जो कार्यक्रम है अपर हाउस में उसको भी हम लोग को सोचना चाहिए कि समय आ गया है, सब मांग कर रहे हैं आप खुद का काम करो, इसके लिए आपको चुना गया था कि नॉमिनेट कर किया गया था, बार बार बंद करने के लिए नहीं किया गया। एक और आपने करप्शन की जो बात की, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हर आदमी परेशान है, कैसे देश से करप्शन को दूर किया जाना चाहिए? ये देखिए जो बड़ा बड़ा केस दो चार हुआ है ये उदाहरण युक्त है, और जितने तो कम्युनिकेशन का मैं बात किया हूँ, अब कोई चीज़ छुपाए नहीं जाता है, करप्शन भी ऐसा जगह में पहुँचा है कोई छुपा नहीं पा रहा है, और उसका भी समय आ गया। करप्शन तो एकदम पूरा नहीं जाएगा, कोई देश से भी नहीं जाता है, मगर जहाँ पहुँचा है शिखर में पहुँचा है हमारे देश में, इससे तो उसको उतारना ही होगा। और ये सिर्फ अच्छा चिंता से अच्छा बोली से नहीं होगा, ये लॉ एंड ऑर्डर और प्रचंड शास्ति से उदाहरण करके इसको हटाना होगा। ये बहुत एक बड़ा बीमार है हमारा देश का, तो उसका भी समय आ गया है कि अभी उसको मुकाबला करना होगा, हमको आपको सबको मुकाबला करना होगा। भारत में इस समय औद्योगिक विकास की रफ्तार जो है उससे आप संतुष्ट हैं? सिर्फ संतुष्ट नहीं, मैं गर्ववान हूँ। हमने मुझे तो ये हैरान लगता है कि हम रोजाना चिल्लाते रहते कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, ये गलत फहमी है। हिंदुस्तान के गए 10 साल में इतना प्रगति हुआ है कि हमें मानना चाहिए। हाँ और हो सकता था, ज़रूर हो सकता था, मगर जो हुआ है उसका स्वीकार हम नहीं करेंगे तो हम एक बहुत अनफेयरनेस देश का प्रति कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सुन के बाहर के भी लोग यही बोलते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि हम और कर सकते थे, मगर जो जिस चीज़ हमने किया उद्योग में ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और इसका स्वीकार करना बहुत ज़रूरत है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो देश का आम आदमी जिससे जूझ रहा है, महंगाई से। क्यों नहीं महंगाई हमारी सरकार रोक पाती? देखिए महंगाई नीचा जाना ऊपर आना इतना ही सीधा साधा होता तो कोई सरकार बैठ नहीं रहता, कुछ ना कुछ करता, क्योंकि उनको पता है कि गरीबों मध्यवर्गों सब को बहुत तकलीफ हो रहा है। चीज़ है कि जब भी इनकम बढ़ता है अब प्रोडक्शन रीति यानी कि जो हमारा बीज फल जो ही बोलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसका स्टोरेज ठीक से नहीं हो पाता है। आपको पता है कि हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह है उसका 40% बाज़ार में नहीं पहुँचता, वहाँ सड़ जाता है। वो सब चीज़ हम लोग जितना दिन
सही तरीके से नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन का बात होते ही रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। इसको कंट्रोल करना इन्वेस्टमेंट की बात है, किसानों को मदद करने की बात है, और जो मंडी के मोनोपोली है वो पुराना ढांचा का मोनोपोली है जिसपे जब पैसा हटाया जाता है उसको भी सुधारना है। ये सब नहीं करने से, और सरकार कोशिश कर रही है मगर ये और तेजी से करना चाहिए। आपने हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनी की 10 साल तक बागडोर संभाली। बड़ा सवाल यह है कि कैसे जो अन्य कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां कहिए, गैर सरकारी क्षेत्र की कंपनियां कहिए, अधिक से अधिक जॉब क्रिएट करें। देखिए, जॉब दो तीन तरीके होते हैं, एक है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा है टर्शरी एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी उद्योग आप शुरुआत करते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वो दिखाई दे वाला एम्प्लॉयमेंट है, हम नहीं देख पाते कि सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट क्या है। हिंदुस्तान लीवर के ये उदाहरण लीजिएगा तो किराना है सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट, किराना के दो विक्रेता है। थर्ड कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट है जो किराने से लेके गांव वगैरह में बेचते हैं। तो जितने हमारे उद्योग आगे बढ़ेगा, जितना ग्रोथ बढ़ेगा, समझिए गए 10 साल में ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में जितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है इतिहास में वो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। तो भी हमारे नौजवान जो सब आ रहे हैं उनको नौकरी चाकरी का ये करने के लिए, अपॉर्चुनिटी करने के लिए और इन्वेस्टमेंट का बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान। लेकिन एक चीज़ और समस्या देखने को मिलती है, नए जॉब के अवसर पैदा करने की बजाय जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने खर्च को घटाने के नाम पर जो पहले से नौकरी कर रहे हैं लोग हैं उनको हटाना शुरू करते हैं, छटनी शुरू कर देती हैं। नहीं, ये आप ये तो आप जनरल एक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप इतिहास देखिएगा, 20 साल का इतिहास देखिए, बड़े बड़े कंपनी का नाम लीजिए, उनका एनुअल अकाउंट बुक देखिए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, कमा नहीं है, कमती नहीं हुआ है। मगर एक बात ठीक ही है, जो एक्टिविटीज़ कंपनी को खुद नहीं करना चाहिए वो आउटसोर्सिंग होता है, जैसे अमेरिकन कंपनी, विलायती कंपनी हमारा आईटी में आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्सिंग होता है, नई तरीका का नौकरी होता है, दूसरा तरीका का नौकरी होता है। ये तो ये प्रगति है, ये प्रगति है, मगर रोटी रोजगारी का उपाय होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की केंद्रीय बोर्ड में आप डायरेक्टर भी रहे, हाँ जी, यहाँ आपने क्या कुछ किया? नहीं, ये तो बड़ा एक्साइटिंग एक असाइनमेंट, मैं 10 साल वो बोर्ड में था राज्यसभा आने के पहले, और जो हिंदुस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम जो हम लोग निंदा करते चिंता करते वगैरह, हमको गर्व होना चाहिए, एक दुनिया में सबसे ताकतवर बैंकिंग सिस्टम हमारा देश में है, और रिजर्व बैंक उसका देखभाल, उसका बचाव, उसका आगे बढ़ना, ये जो काम करता है इसको और पब्लिसिटी देना चाहिए, लोगों को और समझना चाहिए। गांगुली साहब, आप 1985 से 1989 के बीच में देश के दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में उनकी साइंस एडवाइजरी काउंसिल के आप मेंबर हुआ करते थे। हाँ जी। राजीव जी के बारे में जानना चाहेंगे, भारत की तरक्की के बारे में राजीव जी की सोच क्या थी? राजीव जी, इंदिरा जी ने पहले 1980 में जब सरकार में वापस आई, उन्होंने ये महसूस किया कि हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन नहीं करेंगे तो देश की तरक्की होना मुश्किल है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि उनका मौत हो गया। राजीव जी जब आए उसको तो कोई सरकारी एक्सपीरियंस नहीं था, मगर चिंताधारा बहुत बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग था। दो तीन चीज उन्होंने बताया कि हर गांव को कनेक्ट नहीं करने से हम नहीं पहुंच पाएंगे। सो टेलीकॉम मिशन सैम पिट्रोडा के नेतृत्व में जो रखे वो एक महत्वपूर्ण था। दूसरा चीज़ उन्होंने बताया कि आज के
समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत पावरफुल रोल खेलेगा। ये जो हम फाइलें लगाते, रेड टेप करते, इसका दिन ख़त्म होने आया। हमको कंप्यूटराइजेशन करना है। सब हंसे, बोले क्या होगा, आज उसका देखिए कंप्यूटराइजेशन का बगैर आप कहाँ जाइएगा। आपको मार्स में जाना है तो सब कम्युनिकेशन तो उधर से होता है। और तीसरा चीज़ उन्होंने कहा था, जिसके साथ मैं उनके साथ था, कि विज्ञान और नॉलेज के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके लिए आपका एडवाइस हमको चाहिए, आप साइंस एडवाइजरी कमेटी का, और इसके लिए आप हिंदुस्तान को जो करना है वो हमको करना चाहिए। और चौथा थिंग चीज़ ने बोला था, जिसके साथ मैं आई वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ इट, कि दिस इज गोइंग टू बी एन यूनिपोलर वर्ल्ड। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एन यूनिपोलर वर्ल्ड, इट इज़ गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। किसी और देश की किसरा अन्य देश के अधीन नहीं रहना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थे। और राजीव जी के समय में और पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होने से भी उनका पॉलिटिकल चिंता और सामाजिक चिंता देश से बहुत आगे था। राजनीतिक सोच बड़ा खुला था कि डेमोक्रेसी में ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया है, आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। आज अब कुछ छुपाए नहीं रखते सकते थे। और राजीव जी का सुझाव था खुला सरकार, आम आदमी का सरकार। उन्होंने इसको कोई स्लोगन नहीं बनाया, उनका चिंताधारा था कि हम जो सरकार है, हम सरकार नहीं है, हम लोगों के लिए, लोगों ने हमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उनको सर्व करने के लिए, वो हमको नहीं सर्व करेंगे। ये चिंताधारा आप समझिए मिड 1980s में, ये बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग चिंताधारा था। द पॉलिटिकल थिंकिंग इन अ डेमो, ऑल्दो ही गॉट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स आफ्टर द सैड डेथ ऑफ हिज मदर, द पॉइंट इज दैट इट वॉज नॉट एन ओवर पावरिंग गवर्नमेंट, इट वॉज अ गवर्नमेंट विच लिसन टू द पीपल। यानी कि माना जाए कि अगर राज हमारे बीच राजीव जी होते तो भारत तरक्की के मामले में कहीं आगे होता। मुझे उसका विषय कोई शंका नहीं है कि बहुत अफसोस की बात है कि उनका मौत जैसे हुआ। हम दुर्भाग्य देश है एक तरीके से आप जानने चाहे तो, क्योंकि बड़े बड़े नेता के देव आप देखिए क्या हालत हुआ हमारा देश में। लाल बहादुर शास्त्री एक महान नेता थे, उनका भी देहांत हो गया। आपको याद है ताशकंद में इंदिरा जी के, तो आप सब जानते हैं, राजीव जी का वो हुआ। तो हम कैसा नेता को ऐसे ही करते नहीं समझिए। लाल बहादुर जी तो दिल के दौरे से उनका, इंदिरा जी का और राजीव जी का तो दूसरा अब देखिए। और उसका हम लोग भूलना नहीं चाहिए कि देश में ऐसा हिंसाग्रस्त चीज में हमारा नेताओं को ये नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? मेरा संदेश ये है, मैं जब नौजवान था हमको प्रेरणा मिलती थी देश को देख के, वो प्रेरणा सच था। आपको आज जो भी हो, जो भी सुने, आपका भविष्य का प्रेरणा हमारा प्रेरणा से बहुत बड़ा है। आप आगे देखिए, आगे बढ़िए। हिंदुस्तान एक गर्वमान देश है, एक गर्व हम जभी ले सकते हैं जभी आप सब मिलके इनको एक गर्वमान देश और तेजी गर्वमान देश बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से बातचीत के लिए गांगुली साहब। तो ये थे अशोक गांगुली जी, जिनसे हमने तमाम सवालों पर बातचीत की। हम उम्मीद करते हैं कि अशोक गांगुली जी के अनुभवों का लाभ राज्यसभा में हमें और समूचे देश को मिलेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश के एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।